है अल्फा रोमियो टोनाली। अब अल्फा रोमियो जो है वो भारत में नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसका भारत में किसी एक गाड़ी के साथ में बहुत ही अच्छा खासा कनेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। अल्फा रोमियो टोनाली जो है अल्फा रोमियो का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अल्फा रोमियो जो है वो क्या ब्रांड है, ये टोनाली जो सबसे नई गाड़ी है वो क्या दर्शाती है अल्फा रोमियो के बारे में, कैसी गाड़ी है, किसका क्या कनेक्शन है, अंदर बाहर से सब चीज़ों की बात करेंगे। अभी स्पेन में हूँ और इस गाड़ी को मैंने लगभग 1200 किलोमीटर ऑलरेडी चला लिया है। चलो ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है बहुत ही सुंदर इसकी लगती है। इधर से तो अल्फा रोमियो का लोगो है आपके पास में, इधर जो है बहुत ही अच्छे से अल्फा रोमियो लिखा हुआ है। दो बटन यहाँ पे है, एक बटन जो है नीचे की तरफ आता है जो कि बूट अनलॉक करने का काम आता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता है, वरना खुल ही जाता है पूरा वो, और एक खाली जगह जो यहाँ पे दिखती है। बट अल्फा रोमियो क्या सही फॉन्ट में लिखा हुआ है, और मुझे बहुत अच्छी ये चाबी जो है ओवरऑल लगी। बल्कि भी है बट फिर भी अच्छी भी है। उसके बाद में गाड़ी जो है उस पर आ जाते हैं कि क्या कुछ चीज़ें कैसी। बाय द वे, चाबी में ऑब्वियसली आप जब लॉक अनलॉक करते हो तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन करने का भी फीचर जो है अवेलेबल है। अभी मैं विंडो रोल डाउन करूँगा नहीं, वरना जो है गाड़ी में अंदर मिट्टी चली जाएगी। बट फिलहाल आगे में बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें आती है। अभी ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है इसमें एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट वाली है। अगर आप चाहते हो तो एक और वेरिएंट आता है जिसमें आती तो एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट में ही है, बट डीआरएल जो है वो नीचे की तरफ तीन स्मॉल पोर्शंस में और आती है। अलग अलग ट्रिम्स आते हैं। एक तो इस गाड़ी में इतने सारे ट्रिम्स, इतने सारे डिज़ाइन लैंग्वेज, अंदर फीचर्स भी इतने ना डिफरेंट डिफरेंट आते हैं कि आप खूब सारी चीज़ें चूज कर सकते हो, विच इज़ लिटिल रेयर इन यूरोप। यूरोप में ज़्यादा क्या होता है कि इंजन पे फोकस किया जाता है। इस गाड़ी में भी बहुत सारे इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। हर एक चीज़ की बात करते हैं। ये अल्फा रोमियो की सिग्नेचर आपको जो है ग्रिल यहाँ पे आपको मिल रही है। बाय द वे, आपको पता है अल्फा रोमियो जो है, पहले उसी की बात करते हैं गाड़ी से। अल्फा रोमियो का ये लोगो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी है, इसके बारे में थियरीज़ भी है। ये जो आप देख पा रहे हैं मिलान के फ्लैग को हल्का सा रिप्रेजेंट करता है वाइट बैकग्राउंड के पीछे, सामने जो है यहाँ पे रेड फ्लैग। उसके बाद में ये सांप जो है इसके मुँह से एक आदमी बाहर निकल रहा है। अब इसके पीछे कॉन्ट्रोवर्सीज़ है। कई लोग पुराने ज़माने के जो लोग कहते हैं, मतलब आज से 20-30 साल पहले वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि इसके पीछे एक थियोरी है कि कोई मुस्लिम मैन है, उसको सांप खा गया या समथिंग समथिंग, निगल गया सांप या ऐसा कुछ, कुछ सिन से रिलेटेड कुछ है। अभी अल्फा रोमियो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, प्योरीफिकेशन को दर्शाता है उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी हटाने के लिए कहा है। बट ऐसा खूब सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो इसके अराउंड रही है। एनीवे, अल्फा रोमियो ऑलमोस्ट 110 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी, आई थिंक 113-114 ईयर्स की हो गई है। और ये कंपनी जो है जानी जाती रही है हमेशा स्पोर्टी कार्स बनाने के लिए। शुरुआत से इनका फोकस वही रहा है। इनफैक्ट एन्जो फरारी का नाम आपने सुना होगा, वो पहले अल्फा रोमियो में के ही एम्प्लॉय थे, उसी में काम करते थे। उनका रेसिंग डिवीजन जो है वो लंबे टाइम तक उन्होंने हेड किया है। उसके बाद में ऑब्वियसली फिर वो फरारी वगैरह जो चीज़ें हुई यहाँ पे। अभी तो फिलहाल टोनाले तो वो गाड़ी नहीं है, नए जनरेशन की फर्स्ट कार जहाँ पे ये पैसा कमाने की सोचने लगे हैं। मतलब बेसिकली अल्फा रोमियो टोनाली से पहले दो गाड़ियां और जो है वो लॉन्च कर दूंगे, जहाँ पे उनको लगा कि भैया एक काम करो, मास मार्केट वो गाड़ियां भी लॉन्च करो, क्योंकि ठीक है फन टू ड्राइव हो, स्पोर्टी नेचर में हो, बट दे शुड बी लाइक रोड गोइंग, और लोग जो है नॉर्मल उसको खरीद के फैमिली कार की तरह चलाए उसको, वैसी गाड़ियां भी चाहिए। टोनाली उसका तीसरा ऑप्शन वर्जन जो है वो आपके पास में है। ये काइंड ऑफ एसयूवीश डिज़ाइन उनको लगती है, मुझे तो नहीं लगती है, बट ये कॉम्पीट करती है जीप कंपस से, कॉम्पीट करती है टिसॉ से, बीएमडब्ल्यू X1 से, ऑडी Q3 से, वोल्वो XC40 से, उन ऐसी गाड़ियों से कॉम्पीट करती है, उसी के ओवरऑल प्राइस ब्रैकेट वगैरह में बैठती है। हालांकि इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी सी कम है। एक और चीज़, ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है, मतलब पर्टिकुलर इन द सेंस ये पर्टिकुलर मॉडल जो है टोनाली, वो जिस प्लेटफॉर्म पर बना है वो जीप कंपस का प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास में है। तो कंपस और ये प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में आने वाली किसी गाड़ी का कुछ लिंक यहाँ पे, तो वो जीप कंपस का ही लिंक है, जीप कंपस के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। लेकिन जीप कंपस और अल्फा रोमियो के अंदर प्लेटफॉर्म सेम है, उसके अलावा चीज़ें जो है सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर चीज़ बदली हुई है। डॉज की एक गाड़ी आती है US में, उससे ज़्यादा नज़दीक आती है। अब आप बोलोगे क्या चक्कर है, डॉज जीप कंपस सब आप मिक्स कैसे हो रहा है यहाँ पे अल्फा रोमियो ब्रांड के साथ में। तो स्टेलेंटिस जो ग्रुप है, जो कि इतना बड़ा हो गया है, अब कि उसके अंदर फियाट है, अब कि उसमें अल्फा रोमियो है, डॉज है, उसके अंदर सिट्रोएन है, तो ये सब ब्रांड जो है वो एक साथ एक ग्रुप के अंडर आ गए। इस वजह से काफ़ी सारी पार्ट शेयरिंग, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो है वो यहाँ पे होने वाली है। अब देखो, ब्रांड ब्रांड का ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया है बहुत सारा,
ठंड हो रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, हो सकता है आपके माइक में भी हल्की हल्की सुनाई दे रही है। तो वापस गाड़ी पे आते हैं। अल्फा रोमियो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साइड में लिखा हुआ देख सकते हैं। गाड़ी में एडास फंक्शंस आते हैं, थोड़ी सी नंबर प्लेट साइड में आती है इधर, एडास फंक्शन आते हैं, तो उसके लिए रडार यहाँ दिया गया है और कैमरा जो है वो वहाँ पे प्लेस किया गया है। साइड में जब आप देखोगे तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर जैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं दी गई है। अलॉय व्हील्स अल्फा रोमियो की डिज़ाइन यही है, आप उनकी अलग अलग गाड़ियों में ये डिज़ाइन देख सकते हैं। 4C के अलॉय मुझे ऐसे याद है, जूलिया के ऐसे याद है मुझे, बहुत सारी अल्फा रोमियो के डिज़ाइन अलॉय जो है ऐसे ही याद है। इसमें ऑप्शन आते हैं आपके पास में 18 इंचेस, 20 इंचेस ये आते हैं, 20 इंचेस में भी कौन सा फिनिश है, ये नॉर्मल फिनिश है, डायमंड कट फिनिश चाहिए, कैसा चाहिए। बहुत सुंदर अलॉय जो है वो ओवरऑल लगते हैं अल्फा रोमियो के। मोपार यहाँ देख सकते हो, जीप का मोपार ब्रांड जो है, जो इंडिया में आपने सुना होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक्सेसरी ब्रांड, एक्सेसरी क्या मतलब पार्ट वार्ट का OEM ब्रांड। यहाँ पे आपके पास में पीछे तीन, मतलब जो आगे DRL है, फ्रंट में जो ऑप्शन बता रहा हूँ कुछ ऐसी सी आती है तीन वाली, बट टेल लाइट जो है सब में सेम ही आती है। टोनाली यहाँ लिखा हुआ है और उसके बाद में कोई भी मेंशन ऐसा इंजन या ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग सेंसर जो है वो पीछे दिए ही गए हैं। अब मैं क्विकली अंदर चले जाता हूँ। वॉश आपके पास में वाइपर यहाँ है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना जो है वो यहाँ पे है। एक चीज़ अंदर जाने के बाद ही बताओ, मैंने लॉक कर दिया है। बाय द वे गाड़ी इतनी नहीं है कि इसके ये भी नहीं हटाए गए हमारे ये भी अभी जो है हटाए नहीं गए, कई जगहों पर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मैं ये रखूँगा कहाँ पर, उतार तो दिया मैंने, अंदर आ जाता हूँ मैं। हवाएं इतनी तेज़ चल रही है, सरसराहट जो है वो गजब वाली। ये देखो सबसे पहले तो आप जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन बना हुआ आता है यहाँ पे अल्फा रोमियो का, ये फ्रंट डिज़ाइन। यहाँ पे अगेन वो DRL है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में नहीं है। इधर भी आता है, इधर भी अल्फा रोमियो का इंसिग्निया बना आता है। बट मैं स्टार्ट एक्चुअली कर लेता हूँ कार को और उसके बाद में जो है हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन चेंज की है बाहर से, थोड़ा सा नज़ारा अलग हो गया होगा, सुंदर हो गया होगा। डायरेक्शन चेंज इसलिए कर दी ताकि आपको अंदर का जो है बेटर इंटीरियर्स वगैरह दिखते रहे। तो मैं बात कर रहा था कि भैया इंटीरियर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास में लॉक अनलॉक जो है वो है और यहाँ पे एक और अभी तो धनिया ही नहीं उतरी है भाई इसकी, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो यहाँ पे दी गई है। इधर आपके पास में कंट्रोल है ORVM के, सारे पावर विंडोज वन टच अप डाउन आती है। यहाँ पे आपके पास में जो है चाइल्ड लॉक आता है। अब मैं हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे फिनी की डिटेल में नहीं दिखाऊंगा आपको, ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ कि कुछ कुछ इस तरीके के आपके पास में जो है AC वेंट्स आते हैं। यहाँ पे भी देखो डिज़ाइन लैंग्वेज जो है उसको कैरी किया गया, एलिमेंट जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि एक बढ़िया चीज़ है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल जो है वो सारे यहाँ पे आते हैं। इधर ये कुछ ऐसा स्टीयरिंग आता है, अच्छा दिखता है एक्चुअली इसमें स्टीयरिंग। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ इंटीग्रेट किया हुआ है अल्फा रोमियो में, यहीं आता है। और ये वाला जो है अनलाइक जो बाहर कलर्ड है, यहाँ पे जो है ब्लैक एंड वाइट उसको रखा गया है, बट बहुत ही सुंदर मेटल फिनिश जो है उसकी यहाँ पे है। क्रूज कंट्रोल सारा सिस्टम इधर, MID जो है वो सारा कंट्रोल करने का इधर। इंटरेस्टिंग है ये स्क्रीन जिसके बारे में मैं बात करूँगा, इसका भी करूँ क्या शिलान्यास में, वैसे तो ये वाला पार्ट हटा देता हूँ पूरा। अरे यार पूरी आ रही है हाथ में, ट्राई करता हूँ ना आए, आ ही रही है अब तो क्या करें तो मैंने निकाल ही दिया पूरी स्क्रीन का ये कवर जो है वो निकाल दिया है, उसको साइड में रखता हूँ। स्क्रीन के बारे में कुछ बताऊँगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो उतना पकड़ने वकड़ने में मज़ेदार तो है, बट उतना ग्रिप मतलब ओवरऑल चलने वाले में उतना मज़ा नहीं आएगा, जिसकी अभी ड्राइव करते हुए बात करूँगा। क्या क्या चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी, ये पूरी डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिटल स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में मल्टीपल मोड्स भी आ जाते हैं आपके पास में, कि आपको देखो किस तरीके का UI जिसको अलग अलग कुछ तो हिस्टोरिक, किसी को कुछ कन्वेंशनल, ऐसा कुछ नाम जो है वो अल्फा रोमियो ने यहाँ पे दे रखे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बदलती है, जैसे कि मैंने ये देखो अभी देखोगे आप दोनों तरफ कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर बदल जाती है, ऐसा थोड़ा फील ज़रूर आ जाती है, बट ऐसा बहुत कुछ अलग जो है वो नहीं होता है। बट आपके पास में ये स्क्रीन तब भी चेंज होती है जब आप मोड, ड्राइविंग मोड चेंज करते हो हल्के फुल्के, तब भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग जो है चेंज होती है। जैसे मैंने ये लाया, हाँ अब देखना आप, तो जब मैं जैसे ही ड्राइविंग मोड चेंज करूँगा तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें बदल रही है, बट उसकी बात अभी डिटेल में नहीं करके मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि स्क्रीन में मल्टीपल चीज़ें जो है बीच में भी देख सकते हो कि स्पीडोमीटर है, आपको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए, फिर आपको जो है कुछ और मतलब गाड़ी का ड्राइवर असिस्ट वगैरह जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई स्टोर्ड मैसेजेस चाहिए, या फिर आपके पास में टिपिकल ये एक MID कि क्या चार्ज हो रहा है, कितनी पावर मिल रही है, कितनी पावर ड्रॉ हो रही है बैटरी से, वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, हाँ ये अगेन हाइब्रिड इन्फो आ गया, इतनी चीज़ें होती है। ये रोड साइन वगैरह रीड करता है, ADAS फंक्शन जो आते हैं उसमें कैमरा भी आता है जो कि लगातार जो है बाहर रोड साइन वगैरह रीड करता रहता है, वो भी चीज़ें आती है। ये गाड़ी के ओवरऑल ओडोमीटर कहाँ दिखेंगे यार, ओडोमीटर कहाँ मिलेगा, आई थिंक यहाँ से दिखेगा,
हाँ ये वाले में नहीं, ये तो इस वाली स्क्रीन का आ रहा है। ओडोमीटर कहीं से तो दिखेगा यार इसका। ओडोमीटर में अभी तो देख रहा था, ट्रिप मीटर परफॉर्मेंस, हाँ वो स्टार्ट करते हुए देख रहा था। ये देखो यहाँ पे 12 12 लिखा हुआ आ गया। ये आओ ये देखो, बंद करते हुए कितना सुंदर आ रहा है। अगेन मैं स्टार्ट करते हुए देख रहा था, मैं ओडोमीटर को आपको दिखाने के लिए बंद किया मैंने। ये देखो यहाँ पे 12 12 लिखा आ रहा है। ये ओडोमीटर जो है ओवरऑल, मैंने इसको 1200 1100 समथिंग समथिंग किलोमीटर चलाई है। ये 23 किलोमीटर पर मुझे मिली थी, तो आप हिसाब लगा लो मैंने इसको कितनी चलाई है। उसके बाद में आपके पास में ये स्क्रीन के बारे में चीज़ हो गई, कुछ कुछ वार्निंग लाइट वगैरह जो इधर आ ही जाती है। यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल है हाई बीम और इंडिकेटर वगैरह का। ऑटोमेटिक हाई बीम जो है वो फंक्शन आपको मिलता है, और लेन लेन की पसिस वगैरह ऑन करना है तो भी आप यहां से ऑन कर सकते हो। उसके बाद में इस तरफ आपके पास कंट्रोल है सारा ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह से जुड़े हुए, और ये जो ऊपर देख पा रहे हो मेन्यू व्यू जो है वो मैं यहीं से चेंज कर रहा था। उसके बाद में हॉर्न पैड, हॉर्न बजा के सुनाने की जरूरत नहीं, मैंने एक्चुअली हॉर्न बजाया नहीं इस गाड़ी का अभी तक। बट टेम्पटिंग तो लग रहा है बजाना, पर नहीं बजाऊंगा क्योंकि मेरे अलावा कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपके पास में जो है ये आप देख पा रहे हो, इंटरेस्टिंग एसी के कंट्रोल कुछ इस तरीके से ऑपरेट करने लगता है। एक बार की वॉल्यूम का कंट्रोल है, बट एसी का कंट्रोल जो है वो ये यहाँ पे है। ये भी सारे एसी के कंट्रोल है, नॉर्मल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है। स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ, बट पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की, देखो सारी विंडमिल जो है वो चलने लग गई है। ये पहले नहीं चल रही थी, पता नहीं क्यों, मैं भी सोच ही रहा था कि चल क्यों नहीं रही, बेटा सारी विंडमिल जो है वो चलना शुरू हो गई है। अरे बहुत विंडमिल्स है यहाँ, पता नहीं आपको आगे दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ, उस वाले पूरे पहाड़ पे विंडमिल्स विंडमिल लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा विंडमिल्स है यहाँ पे। एनीवे स्क्रीन पे आते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन मुझे सही सी लगने लगी है ये, मतलब ओवरऑल जिस तरीके का जुगाड़ है ये। मुझे इनिशियली तो ऐसा कुछ ज़्यादा होप थी नहीं स्क्रीन से, बट फिर अब जो है धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें देखी तो मुझे थोड़ी सही सी लगने लगी है। क्या क्या फीचर्स आते हैं एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले, वायरलेस वाला आता है, कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं सारे कुछ स्क्रीन की मदद से। काफ़ी पतली सी स्क्रीन अगर आप देखोगे, इतनी सी एकदम बढ़िया सी यूनिट यहाँ पर दी गई है, और वही जीप वाली स्क्रीन वाली यूआई जो है वो सिमिलर सी, मतलब ये पूरे ग्रुप की यूआई जो सिमिलर सी है। थोड़ा 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 बदलाव जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो उनमें से एक ये है। अब क्या मिलता है एक्चुअली, ये वाली चीज़ मुझे लगता है सिट्रॉन को ये वाली अडेप्ट कर लेनी चाहिए स्क्रीन, उनकी थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आता है। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सीधा सेटिंग्स पे आ जाओ, माई कार पे आप आ जाओ। माई कार पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले अपनी गाड़ी का, और ओडोमीटर वगैरह जो है वो सब चीज़ें यहाँ दिख पा रहे हो, उन्हें सर्विस वगैरह को कराना हो वो देख सकते हो। उसके बाद में आपका ये ड्राइव मोड वगैरह जो है, तीन ड्राइव मोड आते हैं, ए का मतलब है एडवांस्ड एफिशिएंसी, एन का मतलब है नेचुरल, डी का मतलब है डायनामिक, और इसको ऐसे घुमा के रखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो अभी DNA किस में क्या क्या होता है वो यहाँ दिखाता है। एक्सेलेटर पेडल शिफ्टिंग और स्टीयरिंग जो है उनमें चेंजेस आते हैं, उसके अलावा कोई भी चेंजेस ऐसे जो है यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें जो है तीनों आपको यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद में ये यहाँ पे इस मोड में था, मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। ट्रिप मीटर आपके पास में जो है, ट्रिप ए मैंने 1171 किलोमीटर चला दी है, उसके ऊपर 6 6 7 किलोमीटर पहले रिसेट किया था, नहीं एक्चुअली 16 किलोमीटर, इसमें 16 जोड़ देना फिर बदल जाएगा पूरे कितनी चलाइए, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है। 14.4 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, एक्चुअल में मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिली है 16 17 के आसपास की। ये तो गाड़ी खड़ी रही है उस वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। परफॉर्मेंस फिगर्स यहाँ पे दिखाता है, टेक्निकल गेजेस दिखाता है, टर्बो प्रेशर क्या है, टॉर्क क्या है, 240 टोटल दिखा रहा है आपको यहाँ पे हाईएस्ट, कंजप्शन हिस्ट्री कैसी है, और आपके पास में एक्सेसरी गेजेस जैसे कि ऑयल टेम्परेचर हुआ आपके पास में, उसके बाद में ट्रांसमिशन टेम्परेचर, बैटरी वगैरह दिखाता है। कंट्रोल स्क्रीन बंद करने के बहुत सारी सेटिंग्स आती है इसमें, बहुत सी सेटिंग्स आती है आप जो है डिस्प्ले से जुड़ी हुई सेटिंग्स, अरे डिस्प्ले से जुड़ी हुई सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो, मिरर वाइपर से जुड़ी हुई, प्रोफाइल, सेफ्टी, ड्राइविंग असिस्टेंस, ब्लूटूथ, मिरर वाइपर, लाइट बंद चालू क्या करनी है, हर एक चीज़ की सेटिंग आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में और कुछ बचा जो मुझे, जियो लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, भैया हमें ये लोकेशन दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। शॉर्टकट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, शॉर्टकट स्क्रीन ये नॉर्मल जो भी आप सेट करना चाहो, आपको क्या क्विकली ऊपर देखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी का बेहतरीन है, मतलब ज़बरदस्त म्यूज़िक सिस्टम जो है मुझे इस गाड़ी का लगा है, और आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में भी मतलब अगर देखो कि X1 वगैरह इन सबसे आप कंपेयर वगैरह करोगे तो आई थिंक इसी गाड़ी का सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम काउंट किया जाएगा, या फिर थोड़ा सा हेक्टर का भी बढ़िया है, बट इसका उससे बेटर म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे मुझे लगा है। उसके बाद में नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और ये आपके पास में एक यूएसबी ए और एक यूएसबी टाइप सी है, और यूएसबी टाइप सी क्या फास्ट चार्ज करती है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड होना चाहिए, बट पता नहीं ये काना तो है यहाँ पे बना हुआ ना ही जो है यहाँ पे कुछ ऐसा काम करता हुआ दिख रहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया कंट्रोल डायनेमिक्स जो है सेलेक्ट करने के लिए, ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास में गियर लीवर इधर डालोगे तो मैनुअल कंट्रोल आ जाते हैं। एक वेरिएंट और आता है जो कि 160 BHP वाला है, उसमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर जो है दिए जाते हैं। ये
कौन से देश का झंडा है बताओ मुझे। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आपको पास में यहाँ पे एक बढ़िया सा ये डायल दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। यहाँ पे एक दो कप होल्डर जो है वो दिए गए हैं आपको। बहुत ही गहरा का भी स्पेस है इसके अंदर, मैंने जो है अपना जुगाड़ रखेंगे केबल टेबल बहुत सारी डाल रखी है, बाहर से एकदम दिखता नहीं है, बट उसमें कोई चार्जर ऐसी नहीं है। फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ है, फैब्रिक सीट्स पूरी यहाँ है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी खासी चौड़ी है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ये अच्छा मटीरियल इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट टच यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, काइंड ऑफ लेदराइट टाइप ऑफ मटीरियल, और यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर अगेन लग रहा है। ये खोलो तो गहरा सा तो नहीं है, डिसेंट सा गहरा, बट लाइट वाला आपके पास में ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को आपको मिल जाता है। और साथ ही में ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर, बढ़िया फ्रेमलेस नहीं है इलेक्ट्रोकॉमिक, यहाँ पे आपके पास में जो है मैनुअल वाला मिरर जो है वही देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ लाइटिंग एक्चुअली अच्छी है, तीन लाइट जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो, अच्छी लाइट्स है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सनरूफ का प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ये वैनिटी मिरर है जिसमें तुम्हारा भाई दिख रहा है अभी तुम्हें, और यहाँ पे लाइट भी दिख रही है दोनों साइड। टिकट होल्डर जो है वो भी एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे दिखाया नहीं, ये देखो टिकट होल्डर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब उसके बाद में मैं ये सीट एडजस्ट करके पीछे चल लेता हूँ कि भैया टोनाले जो कि फैमिली कार वैमिली कार कर तो रही है अल्फा रोमियो, बट पीछे बैठने की जगह है या नहीं है। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है कि दरवाज़ा ये देखो अपने आप ही जो है बंद हो जा रहा है, और दरवाजे बहुत भारी है इस गाड़ी के, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। बाय द वे एक चीज़, ये जो आप देख पा रहे हो ये डिज़ाइन फ्लो है, ये आके गर्दन पे लगता है सीधा। टाटा हैरियर में भी ये प्रॉब्लम थी, इसमें भी ये प्रॉब्लम है, बट भाई रुक जाओ यहाँ पे अंदर जो है चलने, ये लो फिर से बंद हो गया। अंदर जो है एक्चुअली बढ़िया स्पेस है गाड़ी में, बढ़िया तो मतलब मैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तो नहीं, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से अच्छा स्पेस है। ना सिर्फ वो, आपको थाई सपोर्ट जो है वो भी अच्छा मिलता है, और आपको जो है ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो भी अच्छा मिलता है। 6 फुट के आप हो और 6 फुट का बंदा आगे बैठा है तो भी आप जो है कम्फर्टेबल इस गाड़ी में बैठते हो, कोई डाउट उसमें आपको नहीं होना चाहिए। और मुझे कुछ दिख रहा है तो इसको भी जो मैं शिलान्यास कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा कभी स्पेस है, नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर है जिसमें बॉटल तो भैया बड़ी मुश्किल से ही फिट हो पाएगी। ये जो देख पा रहे हो आप 1 लीटर की बॉटल होल्डर, फिर 1 लीटर की बॉटल फिर भी फिट यहाँ पे हो जाए। कोई मैगजीन होल्डर नहीं है, जबकि यूरोप में तो लोग पढ़ते भी हैं, इंडिया में नहीं पढ़ते तो फिर भी दे देते हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद में आपके पास में ये आ गया है, अपने पास में एसी वेंट, एसी का कोई भी सेपरेट मतलब वो कंट्रोलर नहीं है। ब्लोअर आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो, बट किसी भी तरीके का आपके पास ब्लोअर क्या मतलब ओवरऑल विंड जो है उसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा ब्लोअर टाइप ब्लोअर कुछ नहीं है सेपरेट, सामने से ही हवा जो है वो आती है। बाय द वे ये आगे पीछे होता है, मैंने आपको बताया नहीं बताया, आई डोंट नो। उसके बाद में नीचे कोई भी चीज़ यूएसबी जो है वो नहीं आती है। एमेनिटीज़ के नाम पे 3 सीट बेल्ट्स यहाँ मिलते हैं सेफ्टी वाले, आइसोफिक चाइल्ड सीट मिलता है, कोई भी बीच में आपकी बस में नहीं मिलता है आर्मरेस्ट वगैरह, लेकिन ये सीट जो है नीचे गिरती है और बूट जो है वो बढ़ जाता है। बूट बढ़ाने से पहले मैं आपको पीछे बूट में ले जाके दिखा तो दूँ कि बूट आता कितना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके पास लाइट है, 2 लाइट है, ब्राइट है, LED है, कोई दिक्कत जो है नहीं है। बंद हो जाइए, हो गया बंद, धीरे धीरे बंद हो जाता है। चलो पीछे चलते हैं हम और बूट दिखाता हूँ आपको, जो कि एक्चुअली अच्छी साइज़ का बूट है इसमें। ओके, बढ़िया साइज़ का बूट जो है वो यहाँ पे है इस गाड़ी में, कोई डाउट नहीं है उसमें। गहरा भी है, आप इसको इनफैक्ट ऊपर करके यहाँ पे एक ऊपर भी लगा सकते हो, तो एडजस्ट कर सकते हो आप उस बूट की हाइट। आपको लाइट मिलती है, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, दोनों तरफ लाइट मिलती है, दोनों तरफ हुक मिलते हैं, यहाँ पे सब बूफर मिलता है। बहुत ही बढ़िया बूट का साइज़ है, मैं बड़ा हैप्पी हूँ इस बूट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कंपटीशन में इससे इतना बड़ा बूट आता नहीं है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में इतना ही बड़ा बूट आता है, और सारी गाड़ियां थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बूट वाइज लगती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, विंड मिल्स जो है वो चलने लग गई है, आप देखो इसकी बहुत तेज़ सड़सराहट जो है इस विंड मिल की जो है ओवरऑल आ रही है। बट अभी मैं इसको चलाता हूँ और चला के बताता हूँ कि क्या कुछ कैसे चल रही है। विंड मिल चलती रहेगी, लेकिन भैया अपनी ड्राइविंग में तो देखो आप यहाँ पे। चलो तो जानबूझकर वीडियो मैं थोड़ी सी लेट शुरू कर रहा हूँ, हल्का सा अंधेरा होने के बाद में। वैसे तो यहाँ पे हिसाब से बहुत अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट कितनी बज गई यहाँ के हिसाब से 9:15 रात की, लेकिन यहाँ अंधेरा थोड़ा लेट ही होता है। तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया है उसका तो भैया एक गजब ही रीज़न है, आप सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ ग्रेवल है और गाड़ी करेगी स्लाइड। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होने पर जो है वो बीच बीच में परेशान करता है, मज़ा नहीं लेने देता है, और मैं जो है मज़ा लेने आया हूँ यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल रोड पे चला लेता, पब्लिक रोड पे, यहाँ पे कम से कम चलाऊंगा ना अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे जो है सनसेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक तो। बट अभी यहाँ पे जो है हमारे पास में गाड़ी कैसी उसकी बात करते हैं। देखो अल्फा रोमियो भले ही स्पोर्टी नेचर के लिए जानी जाती हो, लेकिन ये टोनाले जो है इसका तो टोन इतना डाउन किया गया है कि स्टीयरिंग जो है उसमें भी फील नहीं है।
बैटरी डी डायनेमिक जो मोड है उसमें मैं यहाँ पे हूँ, और डायनेमिक मोड में भी कुछ खास डायनेमिक चीज़ें जो है ये गाड़ी नहीं कर पाती है, जो कि थोड़ी शर्म की बात है। लेकिन स्लाइड पूरी हो रही है भाई, स्लाइड पूरी हो रही है गाड़ी। इनफैक्ट 60 स्पीड पे स्लाइड हो रही है यहाँ। इतनी ज़्यादा ग्रेवल जो है वो है कि स्लाइड होते हुए बाहर ना चला जाऊँ, बट कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे, चले जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो है कोई और तो है नहीं मेरे अलावा देखने की, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, बस गाड़ी ना टूट जाए। तो यहाँ पे जो है 130 हॉर्स पावर, सबसे कम पावर जो है इसी पर्टिकुलर मॉडल में आती है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जरूर लगा हुआ है, बट यही इंजन जो है 160 हॉर्स पावर के साथ में भी आता है। दोनों सिचुएशन में 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स जो है वो आपको मिलता है, और आपको एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में मिल सकता है अगर आप प्लग इन हाइब्रिड के साथ में जाओगे, वो भी 190-238 दो हॉर्स पावर फिगर्स में जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अरे मेरा कैमरा चालू है, फॉर्चुनेटली मुझे लगा कैमरा बंद रख कर रखा है मैंने। हाँ, तो उसके बाद में बात आती है स्टीयरिंग फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, स्टीयरिंग में वेट नहीं है, बिल्कुल भी वेट नहीं है। एक्चुअल में डी मोड में थोड़ा बहुत है जरूर है, बाकी तो नॉर्मल नेचुरल मोड में जो है बिल्कुल भी वेट नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। इमरजेंसी लाइट फ्लैश हो गई क्योंकि मैंने एकदम से ब्रेक मारा, तो गाड़ी को लगा कि यही आदमी क्या कर रहा है, मैंने ब्रेक इसलिए मारा क्योंकि मुझे उससे डाउट हुआ कि कोई गाड़ी आ रही है जबकि वो रिफ्लेक्शन आ रहा है सन का। एनीवे, तो यहाँ पे जो है एक और चीज़ गाड़ी के बारे में अच्छी है कि राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सारी यूरोपियन कार्स की वजह से तो राइड क्वालिटी बढ़िया ही रही है, बट इसकी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी है। स्लाइड इट यार, ये इतना पूरा भी ट्रैक्शन कंट्रोल मेरे को लग रहा है बंद नहीं हुआ, हल्का हल्का इंटरवीन करता हुआ लग रहा है मुझे, कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ। यहाँ तो लिखा हुआ आ गया सबके एडास विडास सब बंद हो गए, बट जो है यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। ओह, मुझे लगा था मुझे रिफ्लेक्शन इतना क्लियर कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली रिफ्लेक्शन नहीं, लाइट ही है। यहाँ पे ग्रिड है जितने भी विंडमिल्स चल रही है उनका जो है पावर देने का। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इधर जाना है, इधर जाना है, मैं इधर चलता हूँ, ये मैप मैंने चालू नहीं किया, मोस्ट लाइकली इधर ही जाना है। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि गाड़ी जो है उसकी राइड क्वालिटी अच्छी है। 110-120 की स्पीड जाने के बाद में आपको स्टीयरिंग में भी वेट फील होने लग जाता है, बट उतना कुछ खास ज़बरदस्त वेट जो है वो यहाँ पे नहीं है इस गाड़ी में स्टीयरिंग में। ब्रेकिंग अच्छी है, ऑल फोर डिस्क आपको मिलते हैं, और आपके पास में कभी अगर मुझे मौका मिला तो ऐसी किसी रोड पे मैं आपको एक्चुअल कोई अल्फा रोमियो चला के बताऊंगा कि कैसी वो फील होती है, जो 500 हॉर्स पावर की जो इनकी आती है जूलिया वगैरह वो, या फिर अपना जो पुरानी वाली अल्फा रोमियो से 155-159 वगैरह वो मैं कभी चलाऊंगा तो बताऊंगा आपको भैया क्या मस्त मस्त चीज़ आती है। बहुत ही फेमस है अपनी हैंडलिंग वैंडलिंग के लिए। इनफैक्ट लोग ये बोलते हैं, बोला M3 जो है वो छोड़ो, आप तो अल्फा रोमियोज ले लो, इनकी जो करंट वाली है, मैं नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, वो वाली ले लो, वो भी बहुत बढ़िया है, बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली कभी वो चलाने का मौका नहीं मिला है। एक बार मैंने 155 चलाई है, वो बहुत ही बढ़िया थी, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास में यही है और यही मैं रगड़े जा रहा हूँ। पीछे पूरी मिट्टी उड़ रही है, कोई दूर से कहीं देख रहा होगा सोच रहा होगा कौन बेवकूफ़ आया है आज जो यहाँ पे, ओह अभी तो जाती गाड़ी बट फिर संभाल लिए। हाँ, तो बस यही है यार, एक्चुअली टनाले वनाले ठीक है, मतलब पैसा वैसा कमा ले ब्रांड तो ठीक है, बट अल्फा रोमियो उसको अपनी बहुत ही बढ़िया लेजेंडरी कार्स जो है वो बनाना जारी रखना चाहिए। इंडिया में मार्केट में भी कभी कोई आ जाए मतलब स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स कार वगैरह तो मज़ा आ जाए, अदरवाइज ये धीरे धीरे रेगुलेशन के चक्कर में सारी गाड़ियाँ जो है वैसे ही बंद नहीं होने वाली है। ये क्या जर्जर सी चीज़ हो रही है, अल्फा रोमियो की हालत ऐसी हो गई थी बीच में जैसे इसकी हो रही है। ओह गुडनेस, काश मैं आपको ना बाहर का एक शॉट दिखा पाता ऐसे, ये सनराइज़ जो है गोधुली वेला के अगेंस्ट में मिट्टी उड़ते हुए गाड़ी से निकलते हुए का बहुत ही प्यारा शॉट आता, बिकॉज अभी ये नीचे भी सुनहरी सी ज़मीन है तो उस वजह से शॉट अच्छा आता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला ही हूँ, मैं इतना भी अफोर्ड चीज़ें नहीं कर सकता कि मैं बाहर का कंटेंट बनाऊं जिस पे ज़्यादा लोगों की व्यूअरशिप भी नहीं है, ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं आता है, पैसा बहुत खर्च होता है, तो उतना कभी मेरे पास में रिसोर्सेज हुए, इतना पैसा हुआ कि मैं बढ़िया प्रोडक्शन जो है इंडिया से बाहर जाके भी करके दिखा पाऊँ तो मज़ा आ जाएगा कसम से, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग लोकेशंस बहुत होती है, स्पॉट्स बहुत होते हैं। अभी मैं थोड़ी धीरे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत आगे कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं तो थोड़ा सा हैज़ार्डस हो जाता है। वैसे हिरन भी दिखे थे मुझे यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे तो नहीं दिखे। एक्चुअली एंड कर देते हैं वीडियो, गाड़ी के बारे में इतनी मुझे व्लॉग की तरह बातें करने लग गया हूँ मैं आपसे। तो भैया 100 बातों की एक बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अल्फा रोमियो के बारे में जितनी भी चीज़ें सुनी पढ़ी कही गई है या जितनी भी चीज़ें सच है, टनाले उन चीज़ों पर खरी नहीं उतरती है। ये वो गाड़ी है जिसके साथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि अल्फा रोमियो चाह रहा है थोड़े पैसे कमा लिए जाए, क्योंकि अब जो है रेस या एंथूसियास्ट जो है जमाना उतना ज़्यादा रहा नहीं है। जमाना रहा होगा तो भी नॉर्म्स और कई चीज़ें जो है वो बीच में आड़े आ जाती है, और ब्रांड को सर्वाइव करना है, 100 साल तो हो ही गए उनको, 200 साल भी शायद पूरे करने हो, तो उसकी तरफ एक नया डायरेक्शन उनकी ज़रूरत है।
अच्छी बात यह है कि गाड़ी की हल्की फुल्की जो डिज़ाइन वाली टेस्ट है वो अभी भी बरकरार है, लुक्स जो है वो अभी भी बरकरार है, थोड़ा सा अल्फा रोमियो के साथ में एक हल्का सा प्रीमियमनेस का फील जो है वो अभी भी बरकरार है, और ब्रांड ने अभी भी ये सोच रखा है कि भैया हम अच्छी चलने वाली गाड़ियाँ बनाते रहेंगे, अभी ये नहीं बनाई तो धीरे धीरे इसको भी वो इम्प्रूव करने का जो है वो डेफिनेटली सोच रहे हैं। इसमें भी जो मैंने आपको बताया कि एक टॉप एंड ट्रिम आता है जिसकी पावर जो है अच्छी खासी है, तो भैया मेरे ख्याल से इंडिया में तो पता नहीं कभी ये ब्रांड आएगा या नहीं आएगा, इनफैक्ट जो स्टेलेंटिस ग्रुप है उसका भी इंडिया में क्या फ्यूचर है पता नहीं, लेकिन अगर आप कभी बाहर हो तो अल्फा रोमियो टोनाले छोड़ के अल्फा रोमियो कोई भी अगर चलाने को मिले तो डेफिनेटली चलाना, या फिर टोनाले में भी जो आपको टॉप स्पेक जो है हाइब्रिड वर्जन मिल जाए तो वो भी आप चला सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो तक हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। इतनी भयंकर ठंड लग रही है ना मेरे को, बाय गॉड भयंकर ठंड हो रही है यहाँ पे, धूप निकल रखी है बढ़िया लेकिन हवाएँ चीर रही अंदर तक।